बंसी बीड़िया नगर पालिका के उपशासक को दिन दहाड़े मारी गई गोली। गंभीर हालत में कोलकाता के लिए इलाज के लिए रवाना किया गया है। मतगणना के बाद से ही पश्चिम बंगाल राजनीति की हिंसा की आग में सुलग रही है। अब तक दर्जनों से अधिक लोग राजनीति हिंसा के भेंट चढ़ चुके हैं। राजनीति हिंसा आग थमने का नाम नहीं ले रही है। बंसी बीड़िया नगर पालिका के उपशासक आदित्य न्योगी को आज सुबह उस वक्त बदमाशों ने गोली मारी जब वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार कर बाजार करने निकले थे। ठीक उसी समय कुछ बदमाशों ने उनके पीछा कर गोली मार दी है। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कोलकाता के अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना की खबर आग की तरह फैल गई है और देखते ही देखते पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण बन गया। इधर बंसी बीड़िया नगर पालिका के शासक के घर में तोड़फोड़ आग्निजनक घटना को भी अंजाम दिया गया है। बहरहाल अब तक ये पता नहीं लग पा रहा है कि गोली किस कारण चलाई गई है। इलाके में पुलिस तैनात की गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लग चुकी है। गोलीकांड की घटना को अंजाम देकर बदमाश घटनास्थल से फरार हो चुके हैं, जो कि सीसीटीवी में कैद फुटेज के आधार पर अब पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। হসপিটালে পাঠানো হয়েছে, এখনো পুলিশ আসেনি। ওটা দুটো পুজো সব পড়ে রয়েছে, রক্ত সব পড়ে রয়েছে, কিছু পরিষ্কার হয়নি এখনো। জেনে গুলিবিদ্ধটা তিনি কে, তার নাম কি? আয়ত্ত নিয়োগী। উনি কি প্রশাসক? আমাদের বাজারে পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। তো গুলি লাগার পর আপনারা কি ওয়ার্ড অফিসে থাকেন? আমরা এখানে পার্টি অফিসে নিয়ে এসেছি, সেবা করছিলাম, তারপরে মানিককে নিয়ে এসেছি, মানিক ঘরে ড্রেসিং করে দিয়ে তারপর তিনি হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। আপনার নাম? দেবাশী সরকার। না,